गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बोट और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन, जिसको आप अच्छे से तैयार करते चलिए। और अभी कल इसके पहले वीडियो डाले थे वर्ड प्रॉब्लम की, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो। आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे या ट्रेन से। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है आइए देखते हैं। करा क्वेश्चन रितु, कार रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इज इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है क्या कि रितु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में क्या होगी और स्पीड ऑफ द करंट, उसकी करंट स्पीड क्या होगी, दोनों फाइंड आउट करना है। एक बात ध्यान देना, जब कभी डाउन स्ट्रीम की बात करता है दोनों जो स्पीड होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और अप स्ट्रीम की बात करेगा दोनों जो स्पीड होते हैं उसमें क्या होता है, माइनस होता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ले द स्पीड ऑफ रितु स्टिल वाटर एक्स किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। एंड फिर क्या पूछा, सेकेंड द स्पीड ऑफ द करेंट वाई किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। जो आपसे पूछा गया वही हम कर दे रहे हैं। स्टिल वाटर में पूछ रहा है तो एक्स हो जाएगा और स्पीड पूछेगा करेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई। अब आप जानते हैं क्या, फर्स्ट केस अगर यहां से पूछेगा डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तो जो दोनों हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर अप स्ट्रीम की बात करेगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होगा, जब बोट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा। डाउन स्ट्रीम की बात करेगा दोनों जो हमारे स्पीड है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और अप स्ट्रीम की बात करेगा दोनों जो स्पीड हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। अब फर्स्ट केस में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। स्पीड हमारी फर्स्ट केस में कितना है, 20 किलोमीटर, सॉरी क्या है, x प्लस वाई स्पीड डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, कितने टाइम लग रहा है 2, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 20 अपॉन x प्लस वाई। सेकेंड केस में आप क्या लिखेंगे, यही सेम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना है यहां से देख लीजिए आप, 4 किलोमीटर, स्पीड एक्स माइनस वाई, टाइम कितना है 2 आवर। अब क्या करेंगे हम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी 2 टेंजा, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, 2 जा 4 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। अब यहां फिर से रिपीट कर देते हैं इक्वेशन को, ये 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को सॉल्व कर लेंगे, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या होगा, एलिमिनेशन लगाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 6
इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, सिक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, वाई इक्वल टू फोर। यानी कि जो हमारे वैल्यू आ गई, एक एक्स इक्वल टू सिक्स आ गई, एक क्या आ गई एक्स वाई इक्वल टू फोर। इसका मतलब क्या पता चला कि जो हमारी स्पीड ऑफ इटू जो स्टिल वाटर में है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट जो है हमारा कितना है 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे करेंगे कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। आपके सामने लिखा गया इफ वी एड वन, इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर आ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन इफ बिकम्स 1 अपॉन टू इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यानी फ्रैक्शन सभी होते हैं। आप जानते हैं फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना मस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई, क्लियर है। तो जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपान क्या हो जाएगा बच्चा वाई, क्लियर है। इतना हमने लेट कर लिया है एक्स और वाई। अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको ध्यान से समझा जाए। इफ वी एड वन, कहाँ एड किया जाए, न्यूमरेटर में। फर्स्ट केस हमारा क्या है, यहाँ ध्यान समझिएगा, पहले फ्रैक्शन हमारा क्या है एक्स अपान वाई है, न्यूमरेटर में कितना ऐड करने के लिए कह रहा है वन, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किस में कर रहा है डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है वन, क्लियर है। सेकंड केस क्या है, फ्रैक्शन है हमारा कह रहा है कि इट बी बिकम्स हो जाता है वन बाई टू, कब, जब ओनली एड वन टू डिनोमिनेटर, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे वन ऐड करेंगे, क्लियर है। दो केस आ गए हमारे पास, समझ लो कितना ऐड किए आप, वन ऐड किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, माइनस किए वन, सब्ट्रैक्ट किए, तो इतना कितना है वन आया। सेकंड केस में क्या है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया है लेकिन डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया है वन, और कितना हो जा रहा है वन बाई टू। अब इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस वन माइनस वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा हमारा फर्स्ट। अब ऐसे तरह टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर है। अब क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस सेम साइन सेम है तो क्या करें, सब्ट्रैक करने पर ए प्लस हो जाएगा माइनस, क्लियर, कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस एक्स माइनस थ्री, क्लियर, माइनस टू माइनस थ्री, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, अब x की वैल्यू ये आ गई तो y की वैल्यू भी निकालना होगा, तो इधर हम कर देते हैं, पुट x इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, थ्री माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस थ्री, माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल टू फाइव। अब आपके सामने आ गया कि x की वैल्यू क्या आ गई थ्री और y की वैल्यू क्या आ गई फाइव, तो आप क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, और इसी टाइप क्वेश्चन और कराएंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है कैसे सॉल्व करना है आपको हम बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन आपको और कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे लगाना है आपके पास। अब यहाँ हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन हमारा है इसको देखते हैं क्या लिखा गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ आर टू डिजिट नंबर इज नाइन, यानी कि आपके पास जो टू डिजिट नंबर्स हैं वो हमारा क्या है, आप क्या है? पहला हमारा हो जाएगा एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, लिख करना होगा। फिर उसके बाद क्या दोनों का जो डिफरेंस है जो सम है, सम दिया है कितना दिया गया है नाइन दिया गया है। फिर कह रहा है कि नाइन टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, अगर उस नंबर को हम रिवर्स करने के बाद उस जो हमारा एक्चुअल नंबर है उसका नाइन टाइम्स है, जो रिवर्स करने पर नंबर है उसका कितना ट्वाइस है, टू ट्वाइस है। फिर आपसे पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर, तो आप पहले लेट करेंगे, लेट वंस वन यानी फर्स्ट नंबर एक्स एंड सेकेंड नंबर वाई। अब इसमें आपको डिजिट भी ध्यान देना है, एक होता है वंस और टेंस, आप फर्स्ट नंबर को वंस भी कर सकते हैं और सेकेंड नंबर को हम लेते हैं टेंस। अगर वंस और टेंस की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि वंस में वन का मल्टीप्लाई होता है, टेंस में कितने का मल्टीप्लाई होता है, टेन का मल्टीप्लाई होता है। आप वंस टेंस कैसे पढ़ते हैं, थ्री फोर फाइव लिखा है तो आप इसको क्या बोलते हैं, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर आप सेकेंड नंबर जो आप लिए हैं टेंस, इसका मतलब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, टेन का, और जो फर्स्ट नंबर हमारा लिए है वंस, इसका मतलब इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, वन का। लेकिन अभी नहीं, जो फर्स्ट केस है हमारा कह रहा है कि दोनों नंबर का सम जो है कितना है, नाइन है, इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द नंबर नंबर, ध्यान देना है कि जो हमारा ये नंबर है फर्स्ट नंबर, ये वंस में वन का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टेंस है कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, टेन का, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टेन वाई, ये हमारा क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब इस नंबर को हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। व्हेन वी रिवर्स, आपको इसको क्या करना, रिवर्स करना, तो रिवर्स करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसका कोफिशियंट इसके साथ करेंगे, इसका कोफिशियंट इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, रिवर्स करने पर जो हमारा न्यू नंबर आया है, न्यू नंबर कितना आया है, टेन एक्स प्लस वाई। अब ध्यान ये देना है सेकेंड केस में कि जो हमारा एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर कौन सा है, x प्लस टेन वाई। क्लियर है, और हमारा जो रिवर्स करने पर नंबर आया है ये टेन एक्स प्लस वाई है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि नाइन टाइम्स
दिस नंबर मीन्स ये नंबर जो हमारा एक्चुअल नंबर है 9 टाइम्स है, उसके बाद 2 ट्वाइस है, कब, जब वो नंबर्स क्या कर दे हम रिवर्स करने पर, कितनी ट्वाइस है 2 ट्वाइस। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे, तो 9x प्लस 90y 20x प्लस 2y 9x माइनस 20x क्या क्या आ जाएगा, 9x प्लस 90y ये आपके पास है और क्या है, ये दोनों इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 11x माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88y, क्लियर है। अब 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 कॉमन लेने पर x माइनस 8y इक्वल टू 0, क्लियर है। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस 8y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 9। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और ये कितना 1 कितना 9 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या जाएगा 9 आ जाएगा, क्लियर है। अब y इक्वल टू क्या है बच्चा, 1, यानी कि y इक्वल की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब जब y इक्वल टू 1 आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में रखेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहां रख सकते हैं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या पता चला कि y की वैल्यू क्या आ गई 1, और क्या आ गया x की वैल्यू 8। अगर आपसे नंबर पूछे तो नंबर कौन से नंबर पर रखेंगे, इस नंबर पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 8, 8 प्लस 8, x प्लस वाई 10y, तो आप यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10 इंटू 1, यानी कि 8 प्लस 10 मीन्स क्या हो जाएगा 18, क्लियर है। यानी जो हमारा नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 18। और अगर आपसे रिवर्स नंबर पूछे तो क्या वो आएगा नंबर हमारा 81, यही 8 आगे हो जाएगा 1 पीछे हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे 8 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 80 और 1 क्या हो जाएगा 81। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। आपको 1 क्वेश्चन राइट करके देते हैं जो आप घर से लगा लीजिएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, आप इसको होमवर्क ले लीजिए, जो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के क्वेश्चन से हैं, आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।